तो इसकी शुरुआत होती है 4 साल पहले। साल था 2018 और मेरे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट ईयर था। इसी साल मुझे अपने फ्यूचर का डिसीजन लेना था और मैंने कदम रखा इंजीनियरिंग में। सबने रोका, समझाया और कहा कि सब लोग इंजीनियरिंग करके घर पे बैठे हैं, तू क्या उखाड़ लेगा। पर मैंने अपना मन बना लिया था कि भाड़ में जाए दुनिया, इंजीनियरिंग करना है तो करना है। डर भी था कि अगर 4 साल बाद प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ये सब जो लोग बोल रहे हैं वो 4 साल बाद मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर प्लेसमेंट हो गया तो मैं इन सब की वाह, क्या सीन है। पेड़ की तरह तुम्हारे पास जब सब कुछ हो, जैसे नॉलेज, रिसोर्स, फिर भी आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर से ही ग्रो करने की ताकत खत्म हो गई है। यही हाल मेरा भी था। थर्ड ईयर के बाद मेरे पास नॉलेज, रिसोर्स सब थे, फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। अरे, इसकी कहानी कभी बाद में सुनाऊंगा। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। इस बार कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, आउटडोर शूट किया है, देखो कैसे लगती है वीडियो। अरे ऋषिकेश भैया, कंपनी तो बताओ। हाँ, तो मेरी पहली कंपनी थी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका ऑफर लेटर मुझे नवंबर में मिला था। तो ये मेरी पहली कंपनी थी जो 22 रिजेक्शन के बाद पहली कंपनी मिली थी। तो इसकी भी एक अलग स्टोरी है कि कैसे मैं सिलेक्ट हुआ था इसमें, वो आगे वाली वीडियो में बताएंगे। बाकी की एक कंपनी में होने के बाद भी मैं रुका नहीं, मेहनत की, फिर से ट्राई किया और इस बार सफलता घूम के मिली, लेकिन और भी बेहतरीन रूप में। दूसरी कंपनी, हाँ, तो दूसरी कंपनी थी सिनोरिक, जो एक जयपुर की कंपनी है, जिसमें मुझे प्रोफाइल मिला था सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। तो इसका ऑफर लेटर भी मुझे दिसंबर में ही मिला था। हर बार ज़रूरी नहीं कि दूसरे आपको मोटिवेट करें, कई बार सब कुछ होकर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इस पानी की तरह फ्लेक्सिबल रहना सीखा, हर टाइप की कंपनी के अकॉर्डिंग खुद को तैयार किया और TCS के बाद जितनी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बैठा सब में सिलेक्ट हुआ। कहाँ गए वो रहे? तीसरी कंपनी भैया? हाँ, तो तीसरी कंपनी पुणे की कंपनी है, टूरिप टेक्नोलॉजी। तो इसका ऑफर लेटर भी मुझे दिसंबर में ही मिला था और इसका प्रोफाइल था मेरा डिजिटल प्रोफाइल था। तो इसकी भी एक अलग कहानी है कि कंपनी में कैसे सिलेक्शन हुआ, और जिसमें मैं इंटरव्यू छूट गया था मेरा, फिर भी इसमें मुझे ऑफर लेटर मिल गया था। जब रिजेक्शन मिला तब इस बगुले की तरह पेशेंस रखना सीखा और कामयाब भी हुआ। भैया चौथी कंपनी? हाँ, तो चौथी कंपनी है हरमन कनेक्टेड सर्विसेज, सैमसंग की कंपनी है। तो इसका ऑफर लेटर मुझे फरवरी में मिला था। इतना काबिल कर लो कि दुनिया कितना भी खराब रास्ता दे तुमको, लेकिन तुम आसानी से उसमें चल सको। मुड़ो, पानी में क्या मछली मार रहा है क्या? पांचवी कंपनी बता। हाँ, तो पांचवी कंपनी है ITC इंफोटेक, तो पुणे बेस्ड कंपनी है। तो इसका ऑफर लेटर मुझे अप्रैल में मिला था।
तो 4 साल पहले जो वो लोग थे जो मुझे बोल रहे थे कि प्लेसमेंट नहीं लगेगी, नाउ दे आर टेकिंग सजेशन फ्रॉम मी। और वो लोग जो मिलते थे और दूसरों को एग्जाम्पल देते थे, अब मैं उनसे नहीं मिलता।